हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज मैं शुरू में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से पता कर लेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना होगा, ना ही किसी भी तरह का कोई लक्षण का इंतज़ार करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग को देखकर आसानी से पता कर लेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उससे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के बटन को क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस महीने में आप कंसीव करती हैं यानी कि प्रेग्नेंट होती हैं, उस महीने में आपके पीरियड्स डेट के कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद या ठीक उसी दिन जिस दिन आपकी पीरियड्स आनी थी, आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब हिंदी में होता है प्रत्यारोपण होना, यानी कि बच्चे का बनना। जी हाँ फ्रेंड्स, इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो भी 110% बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप 110% कन्फर्म हो जाएंगी कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर वन है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हल्की होती है और हल्की ही रहती है। जबकि पीरियड शुरुआत में हल्की होती है, फिर कुछ देर बाद ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लीडिंग हल्की हल्की हो रही है और सिर्फ हल्की ही है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। टिप्स नंबर टू, पीरियड्स में ब्लड पूरा लाल होता है और हल्का चमकीला होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लड हल्का पिंक या ब्राउन या कत्थे कलर का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लीडिंग हल्का ब्राउन या कत्था या गहरे रंग का है या पिंक है, तो इसका मतलब है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में खून के थक्के नहीं होते हैं, लेकिन पीरियड्स में खून के थक्के हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में किसी भी तरह का खून का थक्का नहीं होगा, ये बस हल्का हल्का सा स्पॉटिंग होता है बस। टिप्स नंबर थ्री, पीरियड्स ब्लीडिंग बिना रुके पूरे पीरियड्स के दौरान होती है और ये जनरली 4 से 7 दिनों तक लगातार होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आती है और कुछ देर बाद खुद बंद हो जाती है, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक ही रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लीडिंग दो दिनों तक रहती है और बिल्कुल हल्की हल्की होती है, तो फ्रेंड इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। टिप्स नंबर फोर, पीरियड्स और इम्प्लांटेशन दोनों केसेस में आपको दर्द होता है यानी कि पेन होता है, लेकिन पीरियड्स की पेन इम्प्लांटेशन की पेन से काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन का पेन बहुत ही कम होता है। अगर आपको ब्लीडिंग के दौरान बहुत ही कम पेन हो रहा है, बहुत कम दर्द हो रही है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है आप 110% प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं अपने ब्लीडिंग को देखकर कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी और आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मुझे पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ बनाता रहूँ। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं। और स्क्रीन पर आपको एक रेड सर्कल नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।